हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी, अभी रेनी सीजन है, अभी मॉनसून आने वाला है, आ ही गया है किसी किसी जगह में। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फेस को मॉनसून में कैसे केयर करें। मॉनसून और रेनी सीज़न में क्या होता है कि हमारा स्किन बहुत डल हो जाता है, हमारा फेस ड्राई हो जाता है और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी भी इन्फेक्शन हो जाता है, फेस हमारा डल दिखने लगता है। तो हम क्या करें जो मॉनसून में हमारा फेस का ग्लो जाए नहीं, ड्राइनेस फेस पे रहे नहीं और आपका स्किन पे ग्लो बरकरार रहे और आपका स्किन मॉइस्चराइज रहे। तो चलिए मैं आपसे आज शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप क्या करें। फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी सबसे बेस्ट आइडिया, सबसे बेस्ट रेमेडीज मैं आपको बताऊँगी, वो है टोमेटो जूस। टोमेटो से आप अपने फेस, तो आप मॉनसून में क्या करें, तो मॉनसून में आप सबसे बेस्ट हमारा रेमेडीज है टोमेटो। टोमेटो को आप काट लें, स्लाइस इस तरह से आप काट लें और इस टोमेटो से आप अपने पूरे फेस पे रब करें। मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे रब करो। पूरे फेस पे आप इस तरह से रब कर लो, पूरे फेस पे जिसमें ज़्यादा जूस हो टोमेटो में, इस तरह से इसका जूस को पूरे फेस पे अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद इसे आप 10 से 15 मिनट तक लगा के छोड़ दें। जब तक ये ड्राई नहीं होता है, सूख नहीं जाता है, तब तक आप अपने फेस को वॉश नहीं करें। ऐसा करने से क्या होगा आपके फेस पे, आपका फेस मॉनसून में डल नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा और आपके स्किन का जो चमकदार चमक फेस का वो बरकरार रहेगा। तो आप ये फर्स्ट हमारा रेमेडी। सेकंड मैं बताऊंगी मॉनसून में कि आप अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें। मॉनसून में क्या होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, बरसात होता है, बारिश होता है और बाहर से बैक्टीरिया आके हमारे बॉडी को भी इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे फेस को भी डल बना देता है। तो आप सबसे बेहतर, सेकंड मैं बताऊंगी, फर्स्ट तो मैंने बताया, सेकंड मैं बताऊंगी एलोवेरा जेल। आप नहाने के तुरंत बाद आएं और पूरे बॉडी में एलोवेरा जेल से मसाज करें, अपने पूरे फेस पे एलोवेरा जेल से मसाज करें। एलोवेरा जेल आप लें पाम में अपना, इस टाइप से आप एलोवेरा जेल ले लें, जितना भी आपको लगे एलोवेरा जेल लेके आप अपने पूरे फेस पे इस टाइप से पूरे जेंटली मसाज करें, इस टाइप से पूरे मसाज करें, पूरे बॉडी में आप अप्लाई कर लें, मसाज करें। और इससे क्या होगा कि आपका बॉडी इन्फेक्शन से बचेगा, बैक्टीरिया से बचेगा और आपके आपके स्किन को एलोवेरा जेल प्रोटेक्ट करेगा बाहर के इन बैक्टीरिया से। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप, थर्ड मैं बताना चाहूँगी कि आप मॉनसून में अपने स्किन को कैसे केयर करें। आप फेस को वॉश कर लिए, फेस को धो लिए, क्लींजिंग कर लिए अपने फेस को, तो सिर्फ यही आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आप अपने फेस को क्लींजिंग मिल्क से पूरे फेस को साफ कर लिए हैं, डस्ट अपने फेस से निकाल लिए हैं और या अपने फेस को फेस वॉश कर लिए हैं, तो उसके बाद आप टोनर ज़रूर यूज़ करें, टोनिंग अपने फेस को ज़रूर करें। टोनिंग आप बाहर अगर अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, अल्कोहल उसमें ना हो टोनर में, वैसा टोनर आप खरीदें, परचेज़ करें जिसमें अल्कोहल ना हो। अगर अच्छा टोनर अच्छे ब्रांड का मिलता है तो आप अपना टोनर यूज़ कर सकते हो अपने फेस के लिए, और अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल को भी एज़ अ टोनर आप यूज़ कर सकते हो, या तो कोकुम्बर जूस को भी एज़ अ टोनर यूज़ कर सकते हो। तो आप, मैं बताऊँगी आपको कि आप क्लींजिंग मिल्क से अपने फेस को साफ़ कर लिए हो, अगर आप अपने फेस को फेस वॉश कर लिए हो, क्लींज कर लिए हो, तो उसके बाद आप टोनर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने फेस पे कैसे गुलाब जल को अप्लाई करें एज लाइक अ टोनर। तो ये आप कॉटन ले लें, ठीक है, और ये गुलाब जल में डीप करें और अपने पूरे फेस पे ये गुलाब जल को अप्लाई कर लें। इस टाइप से आप पूरे फेस पे गुलाब जल अप्लाई कर लें, ठीक है। लगा के आप 10 से 15 मिनट तक लगा के छोड़ दें, या तो छोड़ दें, जब आपको फेस को वॉश करना है तब वॉश करें। टोनिंग इसलिए मैं बता रही हूँ ना कि टोनिंग करने से हमारे स्किन का जो पोर्स है ओपन हो जाता है। अगर स्किन का पोर्स ओपन हो गया है तो वो ऑक्सीजन लेगा और आप हमारा स्किन का ग्लो बरकरार रहेगा, चमक बरकरार रहेगा और आपका स्किन मॉनसून में डल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें और मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।